फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगी फर्टिलाइज़र के बारे में, लेकिन जो मैं फर्टिलाइज़र बताऊंगी वो और फर्टिलाइज़रों से थोड़ा अलग और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। यदि इस फर्टिलाइज़र का आप यूज़ करते हैं तो आपके प्लांट में आप खुद ही देखेंगे 2 से 3 दिन में आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत ही प्रभावी कीटनाशक है और ये बहुत तेज़ कीटनाशक होने की वजह से किसी भी तरह के कीड़ों की समस्या प्लांट में होती है तो उसे भी दूर करता है। ये है गाय का मूत्र। गाय मूत्र के बारे में आपने सुना तो होगा, लेकिन आपने शायद इस प्लांट पे यूज़ ना किया हो, क्योंकि बड़े बड़े जो कृषि फार्म होते हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसका, और ये बहुत ही ज़्यादा फसलों पर प्रभावी रहता है। लेकिन जब हम होम गार्डनिंग करते हैं तो उसमें भी यदि आप यूज़ करते हैं अपने प्लांट पर, तो प्लांट में आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और इसका यूज़ करने का अलग अलग तरीका है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में चर्चा करूँगी गाय मूत्र के बारे में कि इसका फर्टिलाइज़र क्यों उपयोगी है, कौन कौन से प्लांट पर हमें डालना ज़रूरी है, और किस तरह से इसका कीटनाशक भी बना सकते हैं। सारी चीज़ों पर मैं चर्चा करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये जो गौमूत्र का फर्टिलाइज़र है ये बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र पड़ता है, क्योंकि आपके पास आसपास यदि गौशाला है या फिर आप किसी ऐसे क्षेत्र से संपर्क में रहते हैं जहां पर गायें हैं, तो वहां से आपको आसानी से ये उपलब्ध हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये ख़राब नहीं होता है, हम प्लांट्स में इसको स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि यदि आपको नहीं भी मिलता है तो ऑनलाइन भी और मार्केट में भी आसानी से उपलब्ध है, कम दामों में आसानी से मिल जाता है। अब इसका यदि बात करें कि क्यों ज़रूरी है हमारे प्लांट के लिए, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, तो इसके फ़ायदे जितने कहें उतने कम हैं। सबसे पहला फ़ायदा है, जब लगातार कीटनाशकों का, रासायनिक कीटनाशकों का और फर्टिलाइज़र का हम मिट्टी में यूज़ करते हैं तो हमारी मिट्टी ख़राब हो जाती है। तो उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनाने के लिए हम इस गायमूत्र का यूज़ कर सकते हैं, और इससे मिट्टी फिर से उपजाऊ हो जाती है। और जब मिट्टी उपजाऊ रहती है तो प्लांट अपने आप बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, उनमें फल और फूल भी अच्छी मात्रा में आते हैं। और दूसरी बात, इसको यूज़ करने का सबसे अच्छा फ़ायदा यह है कि ये बहुत अच्छा कीटनाशक है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, सभी तरह के कीड़ों को मारने वाला है। तो ये कीटनाशक की तरह भी काम करता है और फर्टिलाइज़र की तरह काम करता है। तो एक चीज़ के उपयोग से हमारे प्लांट को 2 से 3 फ़ायदे मिल जाते हैं। बारिश के सीज़न में सबसे ज़्यादा परेशान हम इंसेक्ट अटैक से रहते हैं, या फिर प्लांट्स की मिट्टी में फंगस का अटैक रहता है, तो ये बहुत अच्छी ताकतवर फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का काम करता है। तो इसका यूज़ करके आप बारिश में होने वाली प्लांट की जो बीमारियां हैं उनसे निजात पा सकते हैं। और इसका यूज़ करने का तरीका भी बहुत ही आसान है, आप आसानी से अपने पॉट के प्लांट पर इसका यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इस गौमूत्र का फ़ायदा आपको प्लांट में जो फल और फूल लेते हैं उन पर भी पड़ता है। बहुत अच्छी फ्लोरिंग होती है प्लांट में, फूलों का साइज़ भी बहुत अच्छा होता है, साथ ही फलदार पौधे हों या सब्जियों वाले पौधे हों बहुत अच्छी मात्रा में फ्रूटिंग करते हैं, क्योंकि इसमें जो पोषक तत्व तो पाए जाते हैं वो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनमें फल फूल लाने के लिए ज़रूरी हैं, प्लांट अपना हेल्दी विकास करता है। तो मैं बता दूँ इसमें कौन कौन से ज़रूरी पोषक तत्व तो होते हैं जिससे हमारा प्लांट स्वस्थ रहता है और प्लांट में फ्रूटिंग और फ्लोरिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो इसमें बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन, सल्फ़र, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कॉपर, आयरन, सिलिकॉन, मैग्नीज, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि प्लांट में बहुत अच्छा वर्क करते हैं। प्लांट की जड़ें मजबूत होती हैं और प्लांट की संपूर्ण ग्रोथ में मदद करती हैं, साथ ही प्लांट की कीड़ों से रक्षा होती है और किसी तरह का इल्ली, माऊ, इस तरह के प्लांट में अटैक नहीं होते हैं, और जो फंगस है वो भी हमारे प्लांट की मिट्टी में नहीं लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं, बताती हूँ मैं आपको इसे किस तरह से बनाना है। तो फ्रेंड्स, यूज़ करने का इसका तरीका है, 1 लीटर सादा पानी लेना है और उसमें हमें 100 ml गाय का मूत्र मिलाना है। तो आप ये इस बात को ध्यान रखें कि 1 हिस्सा गाय मूत्र और 10 हिस्से पानी, जिस भी आप उसमें रेशो में ले रहे हैं, यदि आप 2 लीटर पानी, 3 लीटर, जितना भी आप कम ज़्यादा बना रहे हैं उस हिसाब से इसको आप कम ज़्यादा करें। तो इस तरह से हमें डाइल्यूट करना है, तो मैं 100 ml इसमें ये गाय का मूत्र ले लेती हूँ और ये 1 लीटर पानी में इसको अच्छी तरह से मिला देना है। अब इसको प्लांट पर डालने के भी 2 तरीके हैं। यदि आप इसके लिए मिट्टी में डालना चाहते हैं तो डायरेक्ट मिट्टी में डाल सकते हैं, और यदि आप स्प्रे करना चाहते हैं तो प्लांट में आप स्प्रे पंप की मदद से स्प्रे कर सकते हैं। पत्तियों में यदि किसी तरह के इंसेक्ट हैं या किसी तरह के कीड़े मकोड़े हैं तो वो भी दूर होंगे, साथ ही यदि मिट्टी में फंगस लगी है तो आप डायरेक्ट मिट्टी में, सॉयल में इसको डालें
तो ये फंगस भी दूर होगी और प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। सभी सब्जियों वाले पौधों पर, पालक पर, टमाटर पर ये बहुत अच्छा वर्क करता है और फूलों वाले पौधे भी बहुत स्वस्थ रहते हैं। तो इस तरह से आप मिट्टी में डालें, स्प्रे करें, ये कीटनाशक का और फर्टिलाइज़र का काम करता है। यूँ तो कीटनाशक बनाने के इसके और भी तरीके हैं, लेकिन यदि आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है तो आप सिंपल तरीके से यदि भी इसे भी डालते हैं तो ये भी बहुत अच्छा वर्क करता है। और 2 से 3 दिन में ही आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे कि किस तरह से प्लांट ग्रोथ कर रहा है और उसके सारे कीड़े दूर हो गए हैं। और इसे बारिश में आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं, इस समय मौसम थोड़ा ठंडा रहता है। तो मंथ में एक बार आप अपने प्लांट पर गौमूत्र का यूज़ करें और देखें आपके प्लांट कितनी हेल्दी ग्रोथ करते हैं। थैंक यू।